सो कूल। 10 बज रहे सुबह के, ठंडी आ गई है बॉस। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में। मेरे तो राइडिंग गियर्स है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी लेदर प्रोडक्ट रहेगा उसको कैसे मेंटेन करना है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एक छोटा सा टिप। ऐसा कुछ तो एक डायलॉग दो ना जो वीडियो में बोलने लायक कुछ है क्या? फ्रॉम रैक्स टू रिचेस की स्टोरी हो गई है। हम घर से निकले और सीधा मातुश्री होटल में आए। इसका ब्लॉग मैंने कभी प्रॉपरली बनाया नहीं है, लेकिन ये एक नंबर होटल है, एक नंबर। और मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं ये विजू भाई, ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी वाइफ। सो आज हमारा दिन है दिवाली का, कैसे तो भी अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। इधर हम लोग का डोमिनर खड़ा है, थोड़ा सा झलक। ठंडी में सबसे ज़्यादा कौन सा राइडिंग गियर यूज़ होता है या नॉर्मली हम लोग क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं? लेदर्स। तो इस टाइम पे लेदर को हम लोग को संभालना है, तो मेरे कुछ राइडिंग गियर बताता हूँ जो लेदर के है। तो अपना माइक्रोफाइबर है, ये है अपना ग्लव्स, ये मेरा डाइनीजी का ग्लव्स है, तो ये प्योर लेदर का है। और ये जो मैंने अभी कुछ एक दो दिन पहले लिया था, इसका भी वीडियो आ जाएगा। ये मैंने रॉयल एनफील्ड से लिया है लेदर ग्लव्स। एंड ये मेरा है रॉयल एनफील्ड का जैकेट, ये भी प्योर लेदर है और काफ़ी ओल्ड है वो, मेरे ख्याल से कुछ 5-6 साल जूना है वो। एंड ये है मेरा राइडिंग बूट्स, यस मैंने राइडिंग बूट खरीदे हैं, ये अभी अभी आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इसका वेयर एंड टेयर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑफकोर्स काफ़ी साल हो गए इसको भी। ये है वो सारे प्रोडक्ट्स जिससे हम लोग अपनी लेदर को मेंटेन करने वाले हैं। तो उसमें आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, एक लोशन यूज़ कर सकते हो। ये मैंने वैसलिन का लिया है क्योंकि ये सस्ता भी है और इसका इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन क्रीम वाला मत लेना, लोशन ही लेना। पेट्रोलियम जेली है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और बूट पॉलिश, ब्रश और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम मत करना। लेदर के प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स भी थे वो अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं। डोंट वरी, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आपको चाहिए आप जाके ले सकते हैं। लेदर क्या होता है? लेदर इज बेसिकली अ स्किन ऑफ एन एनिमल। तो भाई जब वो एक स्किनी है तो उसके ऊपर अपने को मॉइस्चराइज करना है उसको। शुरुआत करते हैं अपन ग्लव्स के साथ में। सबसे पहले आपको एक गीला कपड़ा लेना है, तो ये ज़्यादा गीला नहीं है, एकदम नॉर्मल गीला है, और इसको खाली मैं रब करूँगा सो दैट जितना भी धूल मिट्टी है वो इस चीज़ को खींच लेता है। एंड उसके बाद में इसको हल्का सा हाथ से लगाऊंगा, या कपड़े से आप इसको ड्राई कर सकते हो, इतना चोचले करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही करोगे तो बहुत है। वैसलीन या ऑयल, पेट्रोलियम जेली जो है या ऑयल, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली इतना यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि क्या होता ना यार, ये चिपचिपा हो जाता है, रेसिड्यू रह जाता है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है काम करने के लिए भी, और थोड़ा सा मतलब ये सब मतलब इसके ऊपर से निकलने का भी प्रॉब्लम थोड़ा होता है। उसमें पर्सनली मैं लोशन यूज़ करता हूँ या तो फिर एक लेदर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। प्रोडक्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है कि उसके अंदर जो रेसिड्यू है वो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता, हाथ में थोड़ा भी चिपचिपा नहीं होता, और परफेक्टली एक स्प्रे पे आपका काम हो जाता है। और विंटर सीजन है तो एक बार करोगे तो बहुत है, समर सीजन में 2 बार और रेनी सीजन में 1 बार। तो लोशन आपको डालना है इसके ऊपर, एकदम मैंने थोड़ा सा लिया है। अब इसमें करना क्या है, आप या तो अपने फिंगर से, हाथ से इसको स्प्रेड कर सकते हो, या मैं जो पर्सनली करता हूं सीधा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का एक एज ले लो इसका और रब करना चालू करो। फिर तब तक रब करना है जब तक ये जो लोशन है ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेदर इज स्किन, तो ये तो फटाफट एब्जॉर्ब करेगा। आप धीरे धीरे देखोगे कि ये लोशन का जो व्हाइट पोर्शन है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, देख रहे कितना ज़्यादा शाइन आ गया इसके अंदर और पॉप आया है, स्मेल भी काफ़ी अच्छा है इसका। लेदर के प्रोडक्ट्स जब ड्राई हो जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और ऐसा यूज़ करने को भी प्रॉब्लम आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर पानी ज़्यादा लग गया तो यार उसका फटने का भी चांस है, धीरे धीरे खुल जाता है। मैं बता देता हूँ मेरे जैकेट में हुआ है, 6 साल पुराना जैकेट है और अभी आप देख सकते हो कि इसका जो शाइन है ये अभी भी मेंटेन्ड है। इसको मैं मॉइस्चराइज करता रहता हूँ इसलिए, बट अभी मैंने मॉइस्चराइजर किया नहीं है, अभी करने वाला हूँ। ये जो पीछे का पोर्शन आप देख रहे हैं तो एक ऐसा डिसकलरेशन हुआ है, तो ये तभी होता है जब अपन मेंटेन इसको ध्यान से करते नहीं है। एंड करना चाहते हैं तो कभी कभी हम लोग थोड़ा डिले करते हैं या पानी लगने की वजह से होता है, तो ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट टेक्निकली अगर बोलेंगे तो अभी ये बहुत ज़्यादा जूना है तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको पेंट ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये सब करने नहीं वाला। शूज़ का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि इसमें भी अपन मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि बूट पॉलिश ऑलरेडी आता है और एक सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश भी आता है तो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करता। तो ये ले लिया मैंने थोड़ा, अब वीडियो देखो।
ये है ऐसे, ठीक है। सो ये आ गया है पूरा पूरा शाइन, फुल मस्त एकदम चमक रहा है अभी। तो ये इतना सारा खराब होने के बावजूद ये शूज जो है वो चमक रहा है। एंड ये जो पॉलिश है ये अभी कम से कम 2 से 3 महीना इस शूज को अच्छी तरह से संभालेगा। ऐसा थोड़ा सा लोशन इसके ऊपर ले लेता हूँ, फिर पोछता हूँ। मुझे लग गए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट, सेम मैंने लोशन को यूज किया और माइक्रोफाइबर कपड़े से इसको मैंने पोंछा। अगर मेरे पास मिस्टर लेदर होता जो कि फॉर्मूला वन का प्रोडक्ट है, तो यही टाइम आधा हो जाता था। तो ये डिफरेंस होता है जब आप लोशन या कोई अलग घर की चीजें यूज करते हो और एक प्रॉपर प्रोडक्ट यूज करते हो। मैं WD-40 फिलहाल जोरिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि WD-40 मार्केट में था नहीं, मालूम मेरा सब चीजें क्या चल रहा है। तो इसमें क्या करना है, ये जो चेन्स है जितने भी, उसके ऊपर मारना है ताकि एक स्मूथ आपका काम रहे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी लोशन है। सो कुछ इस तरह से आप अपना लेदर प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी वॉलेट जो है, ये जो मेरा वॉलेट है, इसको तक मैं यही सेम मेथड यूज़ करता हूँ। एंड इसको अराउंड 5 साल हो गया, ये ओरिजिनल लेदर है। ये जो वॉलेट होता है इसको क्लिप वॉलेट बोलते हैं गाइस। एंड ये मैं देखता हूँ अमेजोन में मिलता है तो ठीक है। ये आने के बाद में मेरा पैसा घूमना या वॉलेट घूमना बंद हो गया बॉस। इसके अंदर 8 से 10 कार्ड आ जाते हैं एंड 15 से 16 हज़ार कैश तो अभी तक आया है इसके अंदर। तो आप भी इसमें कैरी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये पतला है गाइस, कितना भी भरो ये इसका प्रोफाइल छोड़ता नहीं है, एक बम बड़ा एक बम छोटा रहता है, तो ये वॉलेट के वजह से होता है। सो विद दैट सेड गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना यार नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है एंड क्या सोचना है, क्या क्या चाहिए क्या नहीं, क्या क्या सब कुछ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो और बेल बटन जरूर दबाना, मैं ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ।